सभी दोस्तों को नमस्कार। सो आज हम पहुंच गए चंडीगढ़ मोहाली में और यहाँ पे सेक्टर 76 में। सो यहाँ पे हमें मिले एक डीजे अमिल यादव जी के नाम से फेमस, यहाँ पे चने भटूरे सर्व किए जाते हैं। सो आइए देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं और किस तरह के सर्व करते हैं, मिलते हैं आपको वीडियो के एंड में। सो सर आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। अनिल कुमार, हाँ जी। लेकिन लोग मुझे प्यार से ना, हमारे गाँव के लोग, हमारे दोस्त यार मुझे डीजे कहने लगे और मेरा नाम अच्छा लगने लगा, मुझे भी अच्छा लगा और दोस्तों को अच्छा लगने लगा, इसीलिए हमने आप नाम के आगे डीजे लगा दिया। डीजे लगा दिया, जैसे कि रेडी के बार आपने मेंशन करके रखा हुआ है। हाँ जी, तो हाँ जी। आपका क्या फेमस है यहाँ पे, आप क्या क्या चीजें सर्व करते हैं? सर हमारे पास अमृतसरी कुलचे हैं, नान है और छोले भटूरे हैं, छोले नान है, छोले चावल है। सर ज्यादा फेमस छोले भटूरे और उससे ज्यादा फेमस छोले नान है हमारे। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे इसी लोकेशन पे सर्व करते? सर यहाँ मोहाली में 76 सेक्टर में डीसी ऑफिस के सामने कोर्ट है, इसके बैक साइड में लगाते हैं हम, लखनऊ और पिंड के बगल में हाईवे पे जी। हमें यहाँ अगले दिवाली पे हम आए थे, ये हमें एक साल से ऊपर हो गए। एक साल से ऊपर? हाँ जी। तो यहाँ पे बढ़िया चल रहा है आपका? हाँ जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। लोगों का रिस्पांस अच्छा है ना? हाँ जी हाँ जी, लोगों का रिस्पांस अच्छा है, यहाँ सुविधा भी अच्छा है, यहाँ बहुत प्यार मिलता है लोगों से हमें, और लोग पैकिंग भी बहुत करवाते हैं और खा के भी जाते हैं, जो भी खा के जाते हैं कहते हैं भैया बहुत अच्छा बनाते हैं। तो जैसे कि आप संडे को तो छुट्टी रहती है, हाँ तो आप संडे को भी यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं अपने? हाँ जी हाँ जी, जब हमने शुरुआत में ये काम स्टार्ट किया था जी, तो हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी सर जी, कि कोर्ट बंद रहता है संडे को जी, तो हमने लगाना शुरू कर दिया संडे को भी। लोग कहने लगे कि नहीं आप लगाइए लगाइए हम आएंगे, तो संडे को भी हम लगाने लगे। उसके बाद धीरे धीरे रिस्पॉन्स मिलता गया और संडे को भी काम मतलब अच्छा हमारा निकलता गया। छुट्टी नहीं करते हैं? नहीं, हमारा कोई छुट्टी नहीं होता है। तो सुबह कितने बजे आ जाते हैं? सुबह हम आते हैं 7 बजे से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है और शाम को 4:30 बजे तक रहते हैं। 4:30 बजे? हाँ जी। आपका कितना स्टाफ है यहाँ पे, कितने लोग आपके साथ काम? कम से कम हमारे पास 6 स्टाफ होते हैं। 6 लोग आपके साथ? हाँ जी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ लगी थी अभी यहाँ पे, तो अभी भाई को टाइम मिला है। हाँ जी। तो जो हम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे इनसे। हाँ जी हाँ जी सर। सर आज संडे है ना, इसलिए हमें थोड़ा टाइम मिल रहा है, नहीं तो बाकी दिन जो आते हैं शुक्रवार शनिवार एतवार मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार सारे दिन कोर्ट खुले रहते हैं, उस करके हमारे पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और हम किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं, जबकि हम अपना फ़ोन भी नहीं जल्दी रिसीव करते हैं। यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होते हैं, भीड़ होते हैं। आप टेबल के हिसाब से अनुमान लगा लीजिए, एक बार घुमा के दिखा दीजिए। तो यहाँ पे है ये चने आ गए? हाँ जी, ये चने आ गए, ये हमारे चने हैं। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट डाला होता है आपने? सर इसमें हमने अपना पर्सनल इसमें मसाला डालते हैं, पर्सनल मसाला। हाँ जी, सीक्रेट मसाला होता है ये, मतलब बताते नहीं आप। हाँ जी हाँ जी, जी। ये दिल्ली पहाड़गंज के छोले हैं जी, ये चिट्टे छोले होते हैं, इसे हम बनाते हैं जी। हमारे पास उसके बाद चटनी होती है, इसके बाद चटनी हरी हरी चटनी होती है, हरी चटनी आ गई। हाँ जी सर, उसके बाद में ये अचार आ गए, अचार हम डेली बनाते हैं, डेली हमारा अचार। ये हरी मिर्च का अचार है? हाँ जी, हरी मिर्च का अचार है। और साथ में ये साथ में सूखे आलू आ गए, सूखे आलू की सब्जी होती है छोले में, और प्लेट के हिसाब से देते हैं। और ये आगे प्याज की सलाद आ गई। हाँ जी, साथ में चावल भी देते हैं। साथ में चावल? हाँ जी। ये आगे हम रायता बनाते हैं, बूंदी रायता। हाँ जी, बूंदी रायता बनाते हैं। ये चने भटूरे के साथ सर्व किया जाता है? सब हर प्लेट के साथ में देते हैं। और हमारे पास एक सुविधा और है सर, पांच जो बंदा 5 प्लेट खाता है एक प्लेट फ्री देते हैं। जो बंदा 5 प्लेट खाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक टीम आई थी जो क्रिकेट खेल के आए थे, तो मतलब उनको ये ऑफर था? हाँ जी हाँ जी, अभी उन्होंने 10 प्लेट खाए हैं और 2 प्लेट पैक करवाए हैं, मतलब 2 प्लेट उनको फ्री। हाँ जी हाँ जी। तो जो आपका प्रिपरेशन का रहता है वो आप घर से बना के लाते हैं या यहीं पे बनाते हैं? नहीं सर, हम शाम सुबह के टाइम में 4 बजे उठते हैं। सुबह 4 बजे? हाँ जी, सुबह 4 बजे से तैयारी करते हैं, 3 घंटे की तैयारी करते हैं और 7 बजे हम यहाँ आ जाते हैं सर। 7 बजे? हाँ जी। तो जैसे आधा ग्रेडियंट घर से ले आए आप और आधा यहाँ पे जैसे ये रेडी करने का? हाँ जी हाँ जी, यहाँ रेडी करते हैं और आधा मटेरियल मतलब घर से ही बना के लेके आते हैं। यहाँ पे तेल गरम करना हो गया, छोले गरम करना हो गया, ये तंदूर सेट करना हो गया, सारा कुछ ऐसे ही होता है सर। सो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिए एक थाली और देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले तो इसको अच्छे से साफ किया जा रहा है और ये आगे चने छोले साथ में आलू और ये आ गई हरी चटनी, प्याज और ये आ गया अचार। और ये आ गया इसके ऊपर से भटूरा।
का बहुत ही खुला खुला सा है। और ये जा रही हमारी फर्स्ट बाइट है, तो देखते हैं भैया का कैसा स्वाद है यहाँ का, कैसा टेस्ट है। भैया के जो छोले हैं स्पेशली बहुत ही अलग से हैं, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे छोले ट्राई किए यहाँ पे। और इनके जो आलू जो साथ में हैं, उसमें जो हरी मिर्ची इन्होंने डाली हुई है, उससे तो टेस्ट बहुत अच्छा सा आ रहा है इसका, निखरा हुआ सा। मसाले जो इसने यूज़ किए हुए हैं वो कुछ अलग हैं, टेस्ट बहुत ही अलग है इनका यहाँ पर। अल्टीमेट टेस्ट बहुत अच्छा है, इतने सारे लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसके साथ चने भटूरे के साथ आ गया, साथ में नान और वही सेम चटनी और साथ में छोले और ये रायता। हमारे पास जितने भी आते हैं खाने वाले भैया हमारे एरिया के लोग, 5 प्लेट खाते हैं तो 1 प्लेट फ्री है, 10 प्लेट खाते हैं तो 2 प्लेट फ्री है। ये ऑफर रहता है भाई का यहाँ? हाँ जी, भाई के लिए ऑफर रहता है। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियोज़ आती रहती है फूड से रिलेटेड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।